subscribe our channel, press the bell icon and never miss an update. सो हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू, जहाँ हम रिव्यू करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का. सो गाइज, यहाँ मैं लेके आई हूँ आपके लिए मीशो का टॉप हॉल, टॉप के साथ एक डेनिम भी है. सो उसे रिव्यू करते हैं, और डेनिम का जो होगा वो प्रॉपर रिव्यू मैं एक और वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं अगर उसको आपको प्रॉपर डिटेल में चाहिए. बट यहाँ पर मैं सिर्फ टॉप का डिटेलिंग में बताऊँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाई वन देखते हैं. यहाँ पर तीन टॉप है और एक डेनिम है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले टॉप पर आते हैं गाइज. सो ये मेरा पहला टॉप है जैसे आप देख पा रहे हो, इसे साइड करते हैं. तो ये मैंने 346 रुपीज़ अप्रॉक्स में लिया है. मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा दूँगी कितने का है. सो इसे चेकआउट करते हैं गाइस. कोविड चल रहा है तो हमने रैपर शो नहीं किया है, वरना रैपर भी आपको हम ज़रूर दिखा देंगे, उसी का है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक पर डिटेलिंग दी हुई है, यहाँ पे फ्रिल्स डाले हुए हैं और यहाँ इलास्टिक नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने इंटरलॉक दिया हुआ है जैसा आप देख पा रहे होगा. सो इसका कलर काफ़ी खूबसूरत है जैसा आप देख पा रहे हो, ये पूरा प्रिंटेड है और ये क्रेप कपड़ों में दिया हुआ है. यहाँ बाजू पे इन्होंने रबर प्रोवाइड किया हुआ इलास्टिक, ताकि ये पफ लुक में आ सके. जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ का कट भी पफ जैसा ही है, दोनों तरफ सेम है, ये पूरा प्रिंटेड है. और अब आ जाते हैं इसके बैक पोर्शन में. सो बैक पोर्शन में देख पा रहे हो कि पीछे यहाँ पे एक राउंड नेक प्रोवाइडेड है, और ये इसे लॉक करने के लिए, क्योंकि ये पूरा कॉलर नेक गला है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बटन प्रोवाइड पीछे कर रखा है. ये पूरा प्रिंटेड है गाइज, और इसके अंदर की स्टिचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने पूरा इंटरलॉक किया है. तो ये 346 में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी चीप तो है ही. तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हो, और इसे पहन के देखेंगे अंत में वीडियो के कि कैसा लगता है देखने में. सो इसे करते हैं साइड. अब आते हैं दूसरे अपने टॉप पर. तो ये गाइस ये मेरा दूसरा टॉप है, ये ऐसे है देख पा रहे हो. ये शर्ट है, मतलब टॉप स्टाइल में शर्ट है. सो इसे ओपन करते हैं. ये डार्क ग्रीन कलर का है, और ये मुझे 296 रुपीज़ में पड़ा. साइड में आपको मैं दिखा रही हूँगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होगा इसका जब पहनने के बाद कैसा लुक है. अच्छा, तो मैं अंत में आपको पहन के दिखाऊंगी. सो यहाँ पे आप देख पाते हो कि यहाँ पे आपको बटन्स प्रोवाइडेड हैं, ये बटन खुलने वाले नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने एक बटन एक्स्ट्रा ये वाला प्रोवाइड किया है, जिसे आप इसे नेक में घुसा सकते हो. और यहाँ पे इन्होंने ऐसा बटन खुला रखा हुआ है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे इधर रहेगा. तो ये भी रेयॉन कपड़ा में, ये बट सॉफ्ट रेयॉन है, ये आप इसे पहन सकते हो. और ये इसकी स्लीव्स है, ये 3/4 से ज़्यादा स्लीव्स है, मतलब ये यहाँ तक आनी चाहिए. तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, बट काफ़ी अफोर्डेबल है साथ साथ. पीछे में ये बिल्कुल भी प्लेन है, और अंदर से इंटरलॉकिंग दिखा दूँ कि हाँ, तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होगे कि इन्होंने इंटरलॉक प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ. सो ये ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया, और ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश है. सो गाइज, आप इसे भी ज़रूर परचेस कर सकते हो. सो अब तीसरे पे आते हैं. तो तीसरा पहले मैं डेनिम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉप दिखाती हूँ. तो ये गाइस ये डेनिम है, और ये मुझे 308 रुपीज़ में पड़ा. आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, कोड जो का मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी. सब इसे देख पा रहे होंगे कितना स्टाइलिश दिख रहा है. आप इन्होंने बटन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और इसका डिटेल रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लें. ये मैं इसका ओवरऑल बस इसमें लुक दिखा देती हूँ, सो आप देख पा रहे हो गाइस. सो अब आते हैं अपने चौथे टॉप पे गाइस. सो गाइज, ये है हमारा चौथा टॉप, जैसा कि आप देख पा रहे हो. इसे खोलते हैं. ये जो है ये पाउडर ब्लू कलर में है, और इसका जो प्राइस है मुझे पड़ा है 365 रुपीज़. और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा आप देख पा रहे होगे, ये एकदम पाउडर ब्लू कलर है. और यहाँ पे इन्होंने बाजू में यहाँ नट प्रोवाइड, ये रबड़ प्रोवाइड कर रखा है, और नट यहाँ पे मटेरियल इन्होंने प्रोवाइड किया, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो. ये रबड़ है तो ये काफ़ी अच्छा, इसका इलास्टिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप इलास्टिक है. और जो इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है फ्लावर, ये जो फ्लावर है ये भी पेंटिंग से किया हुआ, मतलब पेंट से किया हुआ, और ये भी काफ़ी चीप है, मतलब देखने में ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है. सामने से कैमरे वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा इलास्टिक प्रोवाइड कर रखा है. सो आप देख पा रहे हो ये इलास्टिक है, और यहाँ पे नीचे में इन्होंने फ्रिल्स प्रोवाइड कर रखी है. दोनों बाजू पर सेम डिज़ाइन है, आगे पीछे दोनों तरफ से सेम है, तो आप जैसे चाहो उसे पहन सकते हो गाइस.
अब इसमें एक बार अंदर से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने जब प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए रिव्यू मैंने पहले देखा करती थी, तो मुझे कभी अच्छे से रिव्यू नहीं मिला कि हाँ अंदर आगे पीछे लोग आगे से कर दिए बस हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा कोशिश करूँगी दिखाने का। सो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्होंने इंटरलॉक प्रोवाइड कर रखा है गाइस, लेट मी शो यू। आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर इंटरलॉक है और यहाँ हर रबड़ पर ऐसे, तो ये पीछे से मतलब अंदर से ऐसा दिखता है। और इसकी मटेरियल भी जो है मतलब अंदर की जो नेट के अंदर जो उन्होंने क्वालिटी दी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा चीप है। सो ये 365 रुपीज़ के अनुसार उतना वर्दी नहीं है। सो आप इसे स्किप कर सकते हो, आप इसे ना ख़रीदें। और अगर आपको पेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कपड़े की वजह से थोड़ी भी इरीटेशन है, आपको ये बहुत पसंद है तो आप चाहो तो ख़रीद लो, बट अगर क्वालिटी के मामले में अगर आप इसे प्रेफर करना चाहोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आरामदायक, तो ये बिल्कुल भी नहीं। सो अब इसका कर लेते हैं ट्राई ऑन और देखते हैं कि ये सारे के सारे टॉप पहनने के बाद कैसे दिखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। For more popular videos, subscribe our channel, press the bell icon and never miss an update too.